अब आते हैं सर्विसिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, जैसे कोई मतलब नहीं है, बस वो डीली करते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, विंडो का मोबाइल का हॉटस्पॉट इसे डिसेबल कर दीजिए, जैसे ही अप्लाई करोगे डिसेबल हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। प्लस 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 डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, जिसमें मैंने बाकी कुछ सर्विसेज बंद करने के लिए बोला, जैसे जो आपकी कंपनी, जिस कंपनी का भी आपने लिया जैसे ये सर डेल, उन लोगों का भी मिलता है, उसे भी आप डिसेबल कर देना। सेकेंड आता है ये प्रिंट स्पॉइलर, इसे भी आप डिसेबल कर दीजिए, कोई दिक्कत देखने से फैक्स इधर सब बंद कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीले नहीं मिलेगा, फैक्ट और अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अपना क्लॉक स्पीड चेक कर सकते हो अपने विंडोज़ के टास्क मैनेजर में जाके, जब इसे डिसेबल कर दोगे और उसे जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आपका बहुत ही अच्छा रोज करना है। एडजस्टेड अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस विंडो बहुत ईजीली मिल जाता है, जैसे आप इसे ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपको थर्ड वाला क्लिक करना है, यानी एडजस्टेड द परफॉर्मेंस। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनिमेशंस बंद करता है, आपके अननेसेसरी चीज़ें जो हैं जो आपको ओपन करते हैं जो लैग देखने के लिए मिलता है, ये आप पूरा डिसेबल कर सकते हो। प्लस आप पढ़ सकते हो क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस पर क्लिक करके आप उसे रख सकते हो। अब आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में डिस्प्ले एडवांस एंड एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ पे रखना है, जो भी आपका हायर रेजोल्यूशन है उस पर आप रख लेना। सेटिंग में आपको गेमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप गेम में बाहर में जाओगे इसे क्लोज कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप गेमिंग मोड को हमेशा ऑन रखना है। प्लस अगर आपके पास ग्राफिक का ऑप्शन है तो ग्राफिक्स में जाके उसे हाई इंटेंस कर सकते हो। अगर आपने बैटरी को बैलेंस में रखा है और आप बिना प्लग इन करे हुए गेम खेलते तो जाहिर सी बात है आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो जो भी है आप यहाँ पे बैलेंस मिलेगा और एक है हाई एंड वाला, तो हाई एंड क्लिक करके उसे कर सकते हो, उस पर क्लिक करके उनके ड्राइवर्स को अपडेट कर लीजिएगा, ये भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पे टेम्प्ररी फाइल्स हमें क्रिएट हो जाते हैं, वो भी आप डिलीट कर सकते हो। अगर सारे डिलीट नहीं हो रहे तो रिकमेंड है कि आप पहले रीस्टार्ट कर लीजिए या शट डाउन कर लीजिए पीसी को, और जब आप ओपन करोगे ना तो बिना किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करें सबसे पहले आप टेम्प फाइल डिलीट कर लीजिए। टेम्प फाइल आप दो तरीके से देख सकते हो, कंट्रोल प्लस आर दबाओगे तो आपको मिल जाता है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, एक और ऑप्शन आता है कैपिटल में TEMP टाइप करोगे तो दो आपको अलग अलग जैसे टेम्प्ररी फाइल मिलते हैं, वहाँ से वैसे बताया फ्रेम पर सेकेंड को ठीक करने के लिए, यानी कि FPS को, ये सारे एक बार ट्राई कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके हार्डवेयर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर कंपैक्टेबल होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनबिल्ट गेम के अंदर भी आप अपने ग्राफिक सेटिंग्स कर सकते हो, तो वो अपना जो भी गेम खेल रहे हो उसमें प्लीज़ आप एक बार अच्छे से रिजोल्यूशन कर लोगे ना तो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, जिससे टेक्स्चर क्वालिटी अच्छे आएंगे, शेडो सबको अच्छा देखने के लिए मिलेगा और अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपके PC या लैपटॉप में ग्राफिक है कार्ड आपने यूज़ किया हुआ है तो यार मस्ट है कि आपके पास एक ग्राफिक का, उसमें आप अपडेट कर लेना सारे ड्राइवर को। बैकग्राउंड एप्लीकेशन क्लोज करना तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हम कंक्लूड करेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है आपके PC में जगह होना चाहिए। अगर आपके PC में काफ़ी बड़ा जगह खाली है तो आपका PC बहुत अच्छा खासा काम करेगा, बट वहीं अगर आपका PC पूरा भरा हुआ है तो आपको लैग देखने के लिए मिल जाता है। अब रिकमेंडेड है कि आप SSD में भी जा रहे हो तो SSD भी मिनिमम आप 512 GB के ऊपर ही रखना, 250 GB वाला बहुत पुराना हो गया है ना, वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो हो सके तो 500 का आप SSD रख लीजिए लोकल डिस्क में, बाकी सारा चीज़ आप नॉर्मल एक HDD में रख सकते। PC को फास्ट करने के लिए 2-3 लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार वो भी चेकआउट एंड ऑप्टिमाइज कर लेना। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हो, कोई फीडबैक देना है तो बेझिझक। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।